चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नसीर तारर और जस्टिस मंसूर अली शाह और अटर्नी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में राणा सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों को कर दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा जीएनएन सबीन शहबाज़। सबीन, आपके पास क्या डिटेल्स है? बिल्कुल देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट के नए अदालती साल का जो है वो आगाज होना था, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने इस मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में जो है वो राणा सनाउल्लाह की बात की तरदीद किया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने एक्सटेंशन लेने से जो है वो साफ इनकार किया। चीफ जस्टिस के जाने से सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा गया कि राणा सनाउल्लाह जो है उनके साथ मेरी कोई बात नहीं, एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर दार और जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल जो है वो मौजूद थे। उस मीटिंग में राणा सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा अगर बातों की कर दें तो मैं कबूल नहीं करूंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं। साफी ने जो ये सवाल किया कि छह जजिस का खत का मामला है, समाज के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने जो है वो जवाब दिया कि छह जजिस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस नुसरत हिलाली जो है तबियत की नासाजी के बायस जो है वो नहीं आ रही थी, इस वजह से जो है ये जो केस है वो समाज के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता था। जी जी सबीन शहबाज़, आपका बहुत शुक्रिया।